नीरज चोपड़ा को गोल्ड ना जीत पाने की कसक। नीरज की निराशा से भारतीय फैंस हुए परेशान। पाकिस्तान की झोली में गिरा गोल्ड तो हुआ बबाल। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पर लगे चीटिंग के आरोप। नीरज चोपड़ा के हाथों से पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल फिसल गया। नीरज ने 89.45 मीटर का थ्रो किया, जिसके बाद नीरज गोल्ड से चूक गए और उन्हें सिल्वर से सब्र करना पड़ा। लेकिन भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज गोल्ड से चूकने के बावजूद बाजीगर हैं। उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है जो कोई और भारतीय नहीं कर सका। दरअसल नीरज लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था। वहीं पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने इस बार ओलंपिक में इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में अरशद ने सनसनी मचा दी। उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम की जीत का पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क की ये खुशी भी लाजमी है, क्योंकि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने 1992 के बाद पहली बार ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। वहीं भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिस करने का अफसोस है, लेकिन उनके सिल्वर मेडल से पूरे भारत में जश्न का माहौल है। लेकिन भारतीयों को सिल्वर की खुशी के साथ इस बात को लेकर तकलीफ भी हो रही है कि वो गोल्ड मेडल जीतने से कैसे चूक गए, जिसके बाद अब पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम पर चीटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल 8 अगस्त की रात को पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पेरिस में हुए जेवलिन थ्रो के रोमांचक फाइनल मुकाबले में अरशद ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ सनसनी मचा दी। इस थ्रो से अरशद ने ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर के थ्रो के बावजूद गोल्ड जीतने में नाकामयाब रहे और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि अरशद ने सिर्फ ओलंपिक रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, बल्कि एशियन रिकॉर्ड भी तहस नहस कर दिया। उनसे पहले सिर्फ ताइवान के चाउ चैंग ने 91.36 मीटर का थ्रो किया था। 31 साल बाद अरशद नदीम ने उनका भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान के लिए व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। पाकिस्तान ने अब तक 3 ही व्यक्तिगत मेडल जीते हैं। इसी के साथ आप जान लीजिए कि जिस अरशद नदीम के हैरतअंगेज तरीके से गोल्ड मेडल जीतने का आज पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है, उसे ओलंपिक में पहुंचाने के लिए गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया था। रिश्तेदारों ने दान से पैसे इकट्ठा किए। उनके पास ना भाला खरीदने के पैसे थे और ना ही ट्रेनिंग के। आज इस खिलाड़ी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर अपना फर्ज निभाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए फाइनल मुकाबले को लेकर अब पाकिस्तानी प्लेयर अरशद नदीम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरशद के गोल्ड जीतने के बाद बवाल बढ़ गया है। उनके खिलाफ डोप टेस्ट की मांग उठने लगी है। दरअसल ये मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि जेवलिन के फाइनल मुकाबले में अरशद ने 6 बार जेवलिन फेंकने की कोशिश की। इस दौरान उनका पहला थ्रो फाउल रहा था, जबकि दूसरे थ्रो ने सभी को चौंका दिया। अरशद ने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर के साथ 16 साल पहले बने ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा। इससे पहले 2008 में नॉर्वे के एंड्रियास थार्किलसन ने 90.57 मीटर का थ्रो किया था। इसके बाद उन्होंने 4 बार कोशिश की, जिसमें एक बार फिर से 90 मीटर पार किया। उनके इस कारनामा पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए कई लोग अरशद पर फाइनल मुकाबले में ड्रग लेकर खेलने का आरोप लगा रहे हैं और डोप टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं। कुछ ने तो इस टेस्ट में उनके फेल होने का दावा भी किया है, क्योंकि उनके मुताबिक पहले भी 5 पाकिस्तानी नाकाम रहे हैं। आपका क्या कहना है इन आरोपों पर, कमेंट करके जरूर बताइए और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।